हनुमान चौराहे पर बने स्पा पर लगे अश्लील होर्डिंग बोर्ड हटाए, सोशल मीडिया पर हो रहे थे अश्लील बैनर को हटाने के पोस्ट वायरल। रामायण महाकाव्य के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। आपसी सौहार्द के साथ मनाई गई ईद मिलादुन्नबी, मुस्लिम समुदाय ने निकाला विशाल जुलूस। ये थे अब तक की मुख्य खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको जैसलमेर से जुड़ी पल पल की खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हूं योगिता सोनी और अब खबरें विस्तार से। हनुमान चौराहे पर बने स्पा पर लगे अश्लील होर्डिंग बोर्ड हटाए, सोशल मीडिया पर हो रहे थे अश्लील बैनर को हटाने के पोस्ट वायरल। जैसलमेर के हनुमान चौराहे से गीता आश्रम रोड पर स्थित स्पा सेंटर के बोर्ड होर्डिंग हटाए गए। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्टर की कई पोस्ट वायरल हो गई थी। गौरतलब है कि हनुमान चौराहा जैसलमेर शहर का मुख्य चौराहा है, जहां से रोज हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं। ऐसे में इस तरह के पोस्टर जैसलमेर की संस्कृति को क्षीण कर रहे थे। स्पा होर्डिंग और स्पा सेंटरों का विरोध कर लोगों ने स्पा सेंटर को हनुमान सर्किल से हटाए जाने की मांग भी की। जैसलमेर के लोगों द्वारा सोशल साइट पर पोस्ट कर कहा कि हनुमान चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर, जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और जहां जैसलमेर शहर के मेन चौराहे पर अश्लील बैनर लगे हुए हैं, ऐसे में जैसलमेर की जनता को मौन नहीं रहना चाहिए। जैसलमेर की सभ्यता व संस्कृति को खराब करता ये पोस्टर हटाना ही चाहिए। विरोध के चलते जैसलमेर वासियों व जैसलमेर के प्रशासन ने कार्यवाही कर इन होर्डिंग को हटाया गया। इस तरह के अश्लील होर्डिंग से नाबालिगों, बच्चों व आमजन में बुरा प्रभाव पड़ता है और ऐसे पोस्टर जैसलमेर शहर के मुख्य चौराहों पर लगाना ही अपने आप में शोचनीय विषय है। रामायण महाकाव्य के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। जैसलमेर में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। जैसलमेर में आरपी कॉलोनी में आज रविवार सुबह श्री रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। इस दौरान महर्षि वाल्मीकि के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर माला पहनाकर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में अंजना मेघवाल, उम्मेद सिंह तंवर, पवन वैष्णव उपस्थित रहे। आपसी सौहार्द के साथ मनाई गई ईद मिलादुन्नबी, मुस्लिम समुदाय ने निकाला विशाल जुलूस। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जैसलमेर में निकाले जुलूस में गंगा यमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय के इस जुलूस का हिंदू समाज की 36 कौम में जगह जगह पर फूल बरसा कर पूरे देश को आपसी सौहार्द व भाईचारे का संदेश दिया। सजे हुए ऊंट व घोड़ों सहित डीजे की धुनों पर निकले जुलूस को देख लोग बहुत खुश हुए। जुलूस में हर हर महादेव के जयकारे लगाकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। हजारों की भीड़ के साथ निकला जुलूस गड़ीसर से गीता आश्रम स्थित ईदगाह पर पहुंचा। इस्लामी संवत का तीसरा महीना यानी रबी उल अव्वल का महीना मुस्लिम समाज के लिए विशेष महत्व का महीना है, क्योंकि इसी महीने में इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। दरअसल पैगंबर मोहम्मद की ओर से आत्मरक्षा में युद्ध की अनुमति देने के मुख्य लक्ष्यों में से एक था मानव को एकता के सूत्र में पिरोए जाए। लिहाजा जब यह लक्ष्य पूरा हो गया तो बेहतरीन दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया गया, यहाँ तक कि उन लोगों को भी माफ़ कर दिया गया जिन्होंने उनके चाचा हजरत हमजा को कत्ल करके उनके शव को विकृत किया और पेट चीर कर कलेजा निकाल कर चबाया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।